हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट विद इन मिनट दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। अभी एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि UPTET का परिणाम स्थगित कर दिया गया है, अब चुनाव बाद आया है। क्या खबर है आज के सुबह के न्यूज़पेपर में, अंततः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का परिणाम चुनाव आचार संहिता में अटक गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुकाबले उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम घोषित करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिससे शासन समिति ने गुरुवार को स्थगित कर दिया, जिसके कारण 25 फरवरी को घोषित किया जाना परिणाम अब जारी नहीं किया जाएगा। परिणाम जारी करने के लिए आचार संहिता खत्म होने के बाद नई तिथि तय की जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट है। एक छोटा सा अपडेट है कि जो शासन से अनुमति मांगी गई थी, शासन ने अनुमति नहीं दी है, उसको खारिज कर दिया, स्थगित कर दिया गया है। तो आपका जो परिणाम है वो अब चुनाव के बाद आएगा। चुनाव जो खत्म हो जाएगा, चार संहिता खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आएगा। होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।